Hello, Bachcho, Let's read the question. And the question here it is: Which one single organisms or the pair of organisms is correctly assigned to its or their named taxonomical group? Option A is Nostoc and Anavena are the example of Protista. Option B is Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of Fungi. Lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of an algae and a protozoan. Yeast used in making bread and beer. Is so student, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की ठीक है तो की कंसेप्ट क्या है बेसिकली हमें ये देखना है, कि जो है ठीक है या जो टेक्सोनोमिकल ग्रुप्स बने हुए हैं उनके फीचर्स क्या अगर हमें पता होगा उनके फीचर्स क्या है या वो किस से बिलोंग करते हैं देन वी कैन आंसर इट इजिली अब अगर हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट ऑप्शन की तो फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है नॉस्टॉक और एनाबेना ठीक है अगर हम बात करें जो एनाबेना वो क्या है साइनो बैक्टीरिया है।, भी भी है साइनो बैक्टीरिया है ठीक है तो यहां पर ये तो रॉन्ग हो गया ना क्योंकि वो प्रोटिस्टा नहीं है पैरामिशियम एंड प्लाज्मोडियम वो एक ही से बिलोंग करते हैं जहां से पेंसिलियम बिलोंग करता है तो हमारा जो है पैरामीशियम है ठीक है वो क्या है पैरामीशियम जो है वो है सिलिएटेड सिलिएटेड प्रोटोजोआ ओके वेयर एज अगर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलिफोरा से बिलोंग करता है प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम जो है उसको हम लोग मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं और वो क्या है पैरासिटिक पैरासिटिकोटोजो वो है पैरासिटिकोटोजो ठीक है तो अगर हम बात करें पेंसीडियम की वो फंजाए है पेंसिलियम जो है वो क्या है वो फंगाए में आ जाता है तो ये भी ऑप्शन क्या होगी रॉन्ग हो गई नेक्स्ट है हमारे पास लाइकन सोचो लाइकन है ना स्टूडेंट वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पता है किसका है दैट इज अम्बायोटिक रिलेशनशिप इट इज बिटवीन एल्गी एंड फंजाई बेसिकली वो एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन है ठीक है तो ये भी रॉन्ग हो गया अभी लास्ट है ईस्ट सो ईस्ट जो है ना स्टूडेंट दीज आर व्हाट दीज आर यूनी सेलुलर दीज आर यूनी सेलुलर यू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं दैट इज़ क्लासिफाइड इन द किंगडम ओके, एंड यू नो दैट बाय पंचायत अगर हम प्रोसेस का नाम लें यहाँ पे फर्मेंटेशन से जो ईस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट को कार्बन में कन्वर्ट करती है ठीक है जो ईस्ट है हम सिंपल कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन इट इज यूज टू मेक लाइक बियर बनाने में हेल्प करती है इवन इट इज यूजफुल लाइक हम ब्रेड बनाने में केक्स पुडिंग्स बनाने में तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होप इट इज क्लियर ऑल द बेस्ट